तो यार गाइस आ गए हैं आज आपके लिए एक और न्यू गेम प्ले की वीडियो के साथ। तो यार गाइस यहाँ पे उतरते हैं हम ओल्ड बेसन पे। तो यहाँ पे जैसे हम लैंड होते हैं तो हमारे साथ एक और टीम जो लैंड हो जाती है, और इस गेम पे आपको ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और भाई इस गेम पे गेम प्ले पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि भाई गेम प्ले कैसा होता है और जब आरपीजी चलती है तो क्या ही चलती है। ठीक है गाइस, तो जस्ट चलो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक बंदे को डैमेज देता हूँ, मेरे हाथ पर यूएमपी आ गई थी, आपको पता है यूएमपी की एमओ चेंज कर दी है। और पबजी मोबाइल लाइट का जो डैमेज है वो बिल्कुल ओपी कर दिया गया है, जहां तक बात की जाए तो इसका डैमेज बहुत सही कर दिया है। यहाँ पे जैसे बंदा दिखता है तो देखो अब क्या ही भरते हैं इसको। तो जस्ट मैंने इसको पहले डैमेज दे दिया था, ये पहले से डैमेज था, तो मैं जस्ट एक ही बार मूवमेंट करता हूँ तो यूएमपी के डैमेज से ये सीधा नॉक हो जाता है। तो मैं यहाँ से क्रोबार लेके इसको मारने की ट्राई करता हूँ। जो उसका टीममेट है वो सामने से उंगली कर देता है, अब उंगली करता है तो मरना तो उसको भी था। तो तब तक मेरा टीममेट आता है और जिस बंदे को मैंने नॉक किया उसको फिनिश कर देता है। अब इसके टीममेट को गुस्सा आ जाता है कि उसके टीममेट को जैसे हमने मारा, मैं लूट करने लगता हूँ तो एकदम पीछे डैमेज आता है। तो अब यहाँ पर एके एम बरसी यूएमपी होने वाला है, गैस करो गाइस कौन जीतेगा। तो यार गाइस जैसे ही एके एम बरसी यूएमपी हो रहा था तो आपको पता है कितना डैमेज हाई कर दिया पबजी लाइट वालों ने, जो है डैमेज बिल्कुल सही कर दिया है अदर्स पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे जैसे डैमेज पड़ा मेरे को बिल्कुल ओपी पड़ा एके एम का। तो यहाँ से जैसे मैं आगे जाता हूँ तो एक और बंदा जो होता है थर्ड पार्टी करने की सोच रहा होता है, जो सामने छत पर बैठ गया होता जाके। अब उसको पता था कि हमने उसको देख लिया, एक्सपेक्टेड कर लिया, अब वो अपनी लोकेशन चेंज कर लिए, नीचे कूद जाता है और मेरे को साउंड आ जाता है। अब देखो कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे मैं एके एम का उसको फुल डैमेज देता हूँ, यहाँ पे मतलब वो ओनली 5 HP रहा होगा। जब तक मैं मूवमेंट करता हूँ, चेंज करता हूँ यूएमपी अपनी, स्विच करता हूँ जैसे गन, तब तक मेरा टीममेट उसको निपटा देता है। बोले चलो तो खैर जो भी है। पर वहाँ से आने के बाद हम आ जाते हैं सीधा सीधा जाते हैं सेंट्रल रोड के ऊपर वाले कंपाउंड पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, पीछे से कोई बहुत ही था वैसे, वो बंदा नहीं था, पर हमें पहले बंदा लगता है क्योंकि वो पीछे से उंगली करता है, पीछे से गोली मारता है और उसके बाद चला जाता है। ठीक है, अपनी लोकेशन चेंज करता है। अब बोट भी इतने अपडेट हो गए हैं कि बोट भी लोकेशन चेंज करने लग गए हैं गाइस। तो यहाँ पे जैसे मैं इस बोट को मारता हूँ तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर छत पे, यहाँ पे मैं ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ, पर मेरे को ये याद नहीं रहा था कि यहाँ पे झूला नहीं होता, झूला उस वाली साइड को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ, तब तक एक और बोट यहाँ पर आ जाता है जो हमें मारने की फुल ट्राई करता है, पर यार गाइस मार नहीं पाता, जो यहाँ पर आके थोड़ा डैमेज देता है मेरे को। तो यहाँ से मैं एंगल ले रहा था, पर मैं पहले विदाउट स्कोप मारने की ट्राई करूँ तो यहाँ पे मेरे को एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैंने एडियास ओपन किया और इसको भी निपटा लिया। यहाँ पे मेरे 4 किल हो जाते हैं, और जैसे हम निकलने लगते हैं तब तक यहाँ पे एक और बोट, भाई देख लो मतलब बोटों की बोट ही बोट आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को रात के 2 बजे बना रहा हूँ। ठीक है, जो गेम प्ले हम रात के 2 बजे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो यहाँ सीधा आने के बाद हम जंक यार्ड में आ जाते हैं, जंक यार्ड का ये कंपाउंड आपने देखा ही होगा। यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि दो बंदे यहाँ पे, एक टीम बैठी होती है। अब देखो जैसे ये नीचे आता है तो देखो गाइस इसको भी हमने बिल्कुल ओपी तरह से भर दिया है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर पाया और मैं इसके पीछे पीछे रहकर इसको इजिली पेल दिया। अब यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा ड्रॉप पे जाता हूँ, ड्रॉप लूटता हूँ, पर मेरे को ये पता नहीं था कि इसका एक और टीममेट यहाँ पे रहता है। तो वो बंदा नेट डालता है, तो मैं अपने टीममेट्स पूछता हूँ कि भाई आपने नेट डाला, वो मना कर देते कि नहीं मैंने नेट नहीं डाला। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे एक और बंदा है जो हमें मारने के लिए कैंप करके बैठा है। तो उसी को कंफर्म करने के लिए मैं सीधा पहले एक बैंडेज लगा के आगे निकलता हूँ, ट्राई करता हूँ उसको स्विच करने की। तो देखो गाइस अब क्या ही दिखता है, देखना गाइस। तो देखो मतलब क्या ही कैंप करके बैठा है, थोड़ा सा फायर करता है, पर यहाँ पे अब ये भी इतना चालू होता, हम भी 100 IQ जो हमारा ये नेट रहेगा, 100 IQ नेट रहेगा, इस नेट के लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। तो जैसे ही उसका भी सर फूट गया वहाँ से ग्रेनेड से, ठीक है, इस नेट के लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। तो यहाँ पे इसने बंदे ने कैंप कर करके पेटीएम बिछा रखी थी, तो यहाँ पे हम भी अच्छी खासी लूट कर लेते हैं। और लूट करने के बाद मैं गाड़ी निकालता हूँ क्योंकि हमें आगे रश करने के लिए जाना था। तो तब तक एक और टीम पीछे से आ जाती है, तो मैं जस्ट एकदम गाड़ी रिवर्स लेता हूँ और सीधा अंदर घुस जाता हूँ, पर मेरे टीममेट के साथ यहाँ पे गलत होने वाला है गाइस। तो देखो अब क्या ही ट्विस्ट आता है गेम पे। तो अभी मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ और मैं ऐसे ट्राई करता हूँ निकलने की, तो मैं निकल नहीं पा रहा था, नहीं जंप कर पा रहा था, मेरे को इस गाड़ी को पीछे ही करना पड़ा। और जैसे मैं पीछे करता हूँ तो अब देखो क्या ही पेलते हैं इसको, क्या ही भरते हैं। अभी जैसे ड्राइविंग सीट पर बैठा तो गाइस इसको तो हमने पूरा भर दिया। अब पता है M4 का डैमेज इतना हाई हो चुका है कि इसलिए बंदे को मार सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब उसका टीममेट है, अभी इसका टीममेट सबसे बड़ी मूर्खता करता है, यहाँ पर हेल्थ लगाने लग जाता है, और मेरे पास अच्छा चांस था।
तो यहाँ पे एक ही शॉट लगता है केम का और ये हो जाता है ढेर, पर यहाँ पे मेरा टीममेट भी मारा जाता है। चलो यहाँ पे हम 9 किल कर लेते हैं, और 9 किल करने के बाद हम आ जाते हैं विलेज के इस वाले कंपाउंड के पास, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं जैसे गाड़ी यहाँ पे रुकता हूँ और ऊपर घर के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। ट्रिपल स्टोरी पर हम जैसे ऊपर ट्राई करते हैं जाने की, पर यहाँ पर एक और बग्गी जस्ट मेरे पास पास एकदम नीचे लग जाती है, ठीक है, आ जाती है। तो अब बारी थी उनको पेड़ने की, पर गाइज ऐसा था कि यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी पे एकदम वो दोनों बंदे इकट्ठा पुश मारते और सब मैं एकदम उनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो सकता था गाइज, ठीक है। तो इसलिए मैं वो ऊपर जाते हैं मैं नीचे कूद जाता हूँ, तो मैं यहाँ गया ही आईक्यू लगाता हूँ, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया कर देना गाइस। तो देखो अब मैं क्या है यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे वो मेरे को पुश करने के लिए आते हैं, तो यहाँ से मैं अपनी फिर से भागता क्यों हूँ वो आपको अभी पता लगेगा, ठीक गाइस। तो यहाँ से मैं सीधा नीचे चलता हूँ, अब देखना क्या ही मैंने यहाँ पर अपने मेरे दिमाग में चला हुआ था वो आपको अभी पता लग जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं नीचे क्यों आया और यहाँ से मैंने एम क्यों लिया, बिकॉज उसका जो नीचे का एम था वो उसका सही से नहीं बैठ पाता और मेरा सही से बैठ सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब वो तो नॉकआउट होते गए, तो उसका जो टीममेट था वो पूरा पैनिक हो चुका था यहाँ पे, मतलब वो आ चुका था उस पर कि हाँ कहीं मैं मारा ना जाऊँ। तो यहाँ पर मेरे को बहुत तगड़ा वाला डैमेज देता है, अभी वो पुश मारता तो शायद कुछ बन भी सकता था, पर वो नेट डालता है जो बिल्कुल सही डालता है, बट हम भी थोड़ा सा हमने दिमाग लगा के पीछा जाते हैं, उसका नेट तो फट जाता है। अब फिर से हम आ जाते हैं, तो क्या ही भरेंगे अब गाइज, उसको देखना गाइज आप। अब यहाँ पर उसको हेड कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने देखा होगा उसको दो हेड कनेक्ट हो चुके हो, तीसरा हेड जैसे ही कनेक्ट हुआ हेडशॉट सीधा AKM का और यहाँ पे हो जाता है वो फिनिश। तो यहाँ पे हमने जय के ही उनको पेला है, तो यार इसके लिए भी एक लाइक बनता है जिसने अभी तक नहीं किया होगा। और यहाँ पे आने के बाद हमें अब पता है लास्ट की एक टीम बची है, तो मेरे को यहाँ पर वेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वेस्ट और हेलमेट बहुत काम की चीज़ होती है। बनाया तो मैं वेस्ट और हेलमेट के लिए था, पर यहाँ पे मिल जाती है मेरे को RPG। अब RPG आ गई हाथ पे, तब तो सोच लो भाई अपनी चिप रो है। अब तो ऐसा आ गया था दिमाग में, मतलब छोड़ता पैसे होता कि एक टीम थी यार, टीम है मेरे सामने कुछ भी हो सकता है। तो अब चिकन निकालने का मेरा कन्फर्म था कि मैं इजिली चिकन ले सकता हूँ, बिकॉज सामने हाथ पे RPG है, तो डरने की क्या बात है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ कि उनकी लोकेशन जानने के लिए, मेरे को पता है RPG है, जैसे ही जाऊँगा सीधा RPG गिराऊँगा और उनको भेज दूँगा। तो यहाँ पे अब क्या ही ट्विस्ट होगा और RPG से कैसे हम बंदों को मारेंगे गाइस, तो अब देखना गाइस। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, पहले अपनी लोकेशन चेंज कर रहा होता हूँ उनकी लोकेशन पता करने के लिए। तो उनका एक बंदा जो है नीचे कूदता है और ये मेरे लिए अच्छा चांस था ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ, पर वो बाहर ही रहता है, मेरे पर एकदम पुश नहीं मारता है, ठीक है। अब मैं ऊपर जाऊंगा और जो अंदर ये यहाँ पे एक कमरा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक बंदा रहता है, ठीक है, जो हेल्थ लगा रहा था, पर उसने लगा ली हेल्थ तब तक, पर मैं यहाँ पे उसका वेट करता हूँ। अब जोन आ गया था, मेरे को पता था बाहर आएंगे, तो अब देखना क्या ही भरेंगे उनको। तो लो गाइज इसको भी हमने नॉकआउट कर दिया। अब इसके टीममेट ये गलती करता है कि एकदम पुश नहीं मारता है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, जब दूसरा बंदा घुस जाए तो एकदम साथ में घुसना होता है, तभी बंदे को आप मार सकते हो। तो आई होप गाइज आपको गेम प्ले बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो हम चैलेंज वाले गेम प्ले लाएँ आपके लिए, चैलेंज वाले गेम प्ले लाएँ, तो आप चैलेंज दे सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर। तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक बाय बाय गाइज एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड टेक केयर। हो सके तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो गाइज। चैनल पे कोई बंदा नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइज मैंने बहुत कम बोलता हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप खुद समझदार हो, एक यूट्यूबर जो एक क्रिएटर होता है यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो उसको आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए होता है गाइज, ठीक है। तो आई होप आपको गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अगर और अच्छा लगा, अगर आप ऐसे ही गेम प्ले चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट।